सामान चला रहे हैं ये क्या सुना ये देखो ओह वाओ ओरिजिनल है मैंने मुंह से बुलवाने जा रहा था हायर अंडा लेता हूं क्योंकि भाई को फॉलो करता है कौन है शो भाई हमारे जो लेजेंडरी कैप्टन है एमएस धोनी उनकी साक्षी नाम है ना साक्षी जी फॉलो करते हैं बताओ भाई जी को भैया दे दिया ऑर्डर स्टूडियो की लाइट्स का राजमा बना है इतना सारा राजमा है मेरे नाम का तो तू ले जा लेके जाऊंगा ना फिर आपकी हो गाड़ी में चलेगा हाँ ये साफ भी है बढ़िया भी लगा इसमें राजमा अच्छा खासा आ जाएगा आपने खाने की चावल भी है क्या? चावल ले जाएंगे। एक्स्ट्रा ये तो अभी ज्यादा घर में राजमा मेरा फेवरेट, बट मुझे निकलना पड़ रहा है। जहाँ निकल रहा हूँ बताते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पर राजमा लेके जा रहा हूँ मैं पैक करा के। दोस्तों खिलाऊंगा अपने आज थोड़ा उनसे पूछेगा ना क्या आपका टेस्ट कैसा आज का? पता नहीं, जिसको कैसा लगा सबको अपने मन में। हम ये खा कर चलते हैं, नहीं सबकी उम्मीद आज अच्छा ही होता है खाना। तो मैंने कहा आज खिलाई देता हूँ और मैं भी खा लूंगा। इसमें राजमा हो गया, उसमें कर देंगे चावल। जो हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी ना तीन चार गाने आने वाले टाइम में दिखाएंगे जब उल्टाऊंगा वहां से तब तक स्पीकर आपके रखे यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर लो मैं कर दूंगा आगे अभी अलग अलग गानों पर प्रैक्टिस कर लो तीन चार गानों का वो बनाएंगे फ्यूजन ये सब बातें चल रही है सुपर मॉन्स का जो कंपटीशन है उसके लिए तो जब आऊँगा तब आगे फिर आपको दिखाएंगे प्रैक्टिस चल कैसे रही है जब मैं आऊँगा वापस तब दिखाएंगे कितनी पहुँची प्रैक्टिस आगे तब तक आप बड़े प्रैक्टिस करो ठीक है तो भैया प्लान ये बना है कि एक सडन प्लान बना कि मुझे मैं जा रहा हूँ भैया दिल्ली दिल्ली का मतलब नोएडा एक ही बात है क्योंकि वहाँ पे एक दो काम है अपने एक काम तो अपना ये है कि भैया गाड़ी की सीट कवर डलवाने वहाँ से वहाँ पे एक शॉप मिली अपने को भरोसेमंद तो वहाँ डलवाएंगे सीट कवर और एक बैंक का काम है छोटा सा और मेरे वीक ऑफ थे परसों तरसों को तो मैंने कहा चलो ये सारे काम निपट जाएंगे और आज के आज मैं इसलिए निकला क्योंकि आज अपने वहाँ पे आ रखे हैं बॉयज सुयश जो आपने दिखा होगा लास्ट ब्लॉग्स में जो देहरादून से निकल गया था दिल्ली के लिए तो सुयश वहीं पे है और अपने एक दो भाई आ रहे हैं उनसे पहुँच के मिलाऊंगा वो भी कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं तो वो सब बॉयज अपने वहाँ इकट्ठे हो रखे तो मैंने कहा जब जाना ही है अपने काम से तो क्यों ना आज ही निकल जाता हूँ तो उनसे ही मिलना हो जाएगा थोड़ा फन एक्टिविटीज भी हो जाएंगी थोड़ा घपरोल भी हो जाएगा घपरोल मतलब पहाड़ी भाषा में मतलब मजे अभी के लिए पहुँचते हैं सीधा नोएडा भैया पहुंच गए थे फाइनली और एक के बारे में तो मैंने बताया था लौंडा अपना ये इससे मिल रहा हूँ क्योंकि भाई मिले बहुत टाइम हो गया था ना कितने दिन हो गए थे ढाई दिन हो गया ढाई दिन हो गए बड़ा अजीब सा हो गया था सांस भारी सी हो गई थी मैंने मिलने का मन कर रहा है तो एक तो लौंडा ये हो गया अपना बाकी दो लौंडे हैं अपने खतरनाक एक तो अपने उत्तराखंड से सारे लौंडे मिलेंगे तो मैं यहाँ पे पहाड़ी ये जो मेरी जो अपनी ऑर्डर छोटी प्लेन्स वाली है ना एक अपने आशु बंटी भी भाई साहब का जो चैनल है उसकी टीआरपी चल रही है आजकल जो न्यूज चैनल से भी ज्यादा है ना क्योंकि सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी आशु बंटी की सही बात जो मैं नोट कर रहा हूँ और सबसे बढ़िया क्या लगा जो अभी आपने ना देहरादून वाला ब्लॉग डाला उसमें लिखा था आपने टाइटल की 13 साल आपने शादी के बाद शादी में न्यू देर में गबरोल हाँ वो जो मैंने लिखा था ना वो मुझे आपके महीने से आया था इसका वर्ड का मतलब क्या है तभी लिखा था बड़ा सही कनेक्ट करा था और भाई हमारे बीच में एक महान हस्ती एक और ये हमारे तेरी उत्तराखंड के सबसे खतरनाक इंस्टाग्रामर और इसका मेरे पास अब एक रीजन है बोलने का पता क्यों क्योंकि भाई को फॉलो करता है कौन है शो भाई हमारे जो लेजेंडरी कैप्टन है एमएस धोनी उनकी भाई साक्षी नाम है ना साक्षी राव साक्षी जी फॉलो करती है बताओ भाई जी को हल्के मत लेना भाई जी को सिस्टम तो भैया फिर घर पे थोड़ा बैठने के बाद फ्रेश हो गया फिर हम आए जरा मैं लेके आऊँ बॉयज को खिलाने पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद तो इनको लेके आऊँ भाई मैं फिर सैंडविच किंग अपने नोएडा 62 में तो रात को मन कर रहा था ऐसे ही मैंने कहा बैठे बैठे घूम के आते हैं तो घूमते घूमते मैंने कहा भाई तुम्हें खिला दूंगा एक अलग टाइप का पराठा बहुत टेस्टी पराठा होता है यहाँ पर
लो भाई बुक पढ़ लो, बुक लो बुक पढ़ लो। ये तो बहुत ज्यादा है यार। सर्च का ऑप्शन नहीं हो कुछ ऊपर सर्च का? और यहाँ नहीं है खाली, इधर भी है अभी। एक रबड़ी मलाई दे दो। रबड़ी मलाई खाएगी तो भाई खाने के बाद आइसक्रीम ना हो मीठे में, तो क्या बात है। और सेवन स्किन के यहाँ कभी जाओगे? मैं तो तुम्हें ले गया था वहाँ पे। खाली पिज्जा पराठा अच्छे है उसके, बाकी पराठे उसके अच्छे नहीं है। पर पिज्जा पराठा खाना है अगर तुम्हें थोड़ा अलग चीज खानी, यूनिक चीज, तो सेक्टर 62 स्टेलर के साइड में सैंडविच कैफे में। सैंडविच हाँ, सैंडविच भी अच्छा है ना, सैंडविच भी सही है उसके। पास्ता भी अच्छा है उसका, वैसे पास्ता भी अच्छा है, बहुत पुराना आउटलेट है ना। सैंडविच किंग के नाम से स्टेलर के साइड में सेक्टर 62। तो भैया पहुंच गए फिर घर, अपना बॉयज नाइट आउट करके थोड़ा सा वो जा रहे आगे लौंडे अपने। और हम रुके हैं विकास भाई के घर, जो कि है वसुंधरा में, इंदिरापुरम के पीछे। लेकिन अभी का फ्लैट पे जाऊँ भाई के, सब लौंडे यहाँ रुके हुए तो इनके यहीं रुकते हैं, तो आज का स्टे यहीं पे। और कल जाने का प्लान है भैया चांदनी चौक, चांदनी चौक में करनी है शॉपिंग सुरेश ससवाल जी को। चांदनी चौक घुमाने का प्लान है, कभी अच्छे से नहीं घूमा चांदनी चौक। कल चलाएंगे चांदनी चौक, चल जाएंगे चांदनी चौक। मेरे को ऑफिस जाना, तो ऑफिस के बाद जाना वहाँ पे, ऑफिस के बाद चांदनी चौक में पूरा बढ़िया करके, बढ़िया करके। सुबह क्या दोपहर हो गई उठने में, और उठने के बाद रियलाइज हुआ कि सबसे आलसी लड़का मैं हूँ इस घर में लग रहा है मुझे। एक इंसान जा चुका ऑफिस, मिस्टर विकास पार्टी भेजी एक सुबह का चल रहा है काम ऑफिस का। तो उड़ गया तो चल फिर भाई का ब्लॉग एडिट हो गया, अपलोड हो गया है ना, सब कुछ हो गया ना, हो गया सर। और अब मैं उठ रहा हूँ 1:30 बजे। ये है तरीका, देखो ऐसे कैसे बन जाऊंगा भाई का बड़ा आदमी है। क्योंकि तरह बोल रहे थे कि जो इंसान सुना है वाला, जो इंसान 1 बजे उठता है वो क्या करेगा दिन में। यार अब प्लान में चेंज है कि रात में कह रहा था हम जा रहे हैं चांदनी चौक, बट हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस से करेंगे शॉपिंग, क्योंकि भाई को लेनी है अपने स्टूडियो के लिए लाइट्स एंड ऑल लाइट्स वगैरह लेनी है। तो नेहरू प्लेस है हमारे यहाँ पे अपना, जो मैं देखता रहा हूँ बहुत सालों से, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का चीपेस्ट मार्केट, तो वहाँ जाया जाएगा। अब सामान चुला रहे हैं ये है क्या? ये देखो, ओ वाओ ओरिजिनल है। विकास भाई का सामान पूरा का सामान गया। अंटाले 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 ओए अंटाले भाई, किसी को पता नहीं चलेगा ये बड़ा है। अच्छा इसमें प्रॉपर ये सब है यार, अच्छा तो पूरा सब वो सब है यार चीजें, रिकॉर्ड करने का सिस्टम भी है इसमें। सही यार इसमें तो फिर सुरेश तेरे वहाँ के मैं रैप पे रिकॉर्ड कर ले करूँगा अपने। नहीं लुक कितना अच्छा देगा ऐसे रखा हुआ। अंटाले 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 क्या ले जाऊंगा ना मैं, फिर पैसे देगा इनको? पैसे को देने यार अंटाले ना। अरे तू वीडियो बना रहा है, वाह बेटे तेरे मुंह से पुरवाने चला था आयरन डाले तो फिर देखता था वो मेरे वीडियो में, देखता आगे मेरे ब्लॉग में। माइक कहाँ है यार? माइक नहीं मिल रहा घर में। स्टूडियो की तैयारी का पार्ट है, स्टूडियो में लगेगा माइक, तभी तो फील आते हैं थोड़ा सा। माइक जो रखा हुआ घर पे आपके, क्या काम है इसका? क्या रखा हुआ? अरे माइक यार, भूल भी गए क्या? कौन सा माइक? वाह भूल गए, समझ गया मैं। इंग्लिश में लिखा होगा नाम, नाम तो जो भी लिखा है, नहीं तो क्या है उसका इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं है क्या? नहीं अभी मैं यूज तो नहीं कर रहा उसको। तो मेरे को भेज दो, कितने में लिया था? हेलो मतलब मैं ले लेता हूँ ना उसको। ले ले भाई, ले ले उसको, कितने में लिया था आपने बता दो उधर, वो भी देख के कितने में लिया। वाह याद ही नहीं है महंगा बेचेंगे ना अभी ये महंगा बेचेंगे, देख के मंगाया 7 का था तो उसको बोलता हूँ 10। आ चुके नेहरू प्लेस, ये देखो दिल्ली का लैपटॉप कंप्यूटर सारी मिलती इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा हब, सबसे सस्ता मार्केट जो होता है वो अपना नेहरू प्लेस है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा फैला हुआ है ये। तो यहाँ से जरा एक शॉप मिली है, यहाँ पता करते हैं सुरेश के स्टूडियो के लिए लाइट्स वगैरह। भैया दे दिया ऑर्डर स्टूडियो की लाइट्स का, पर अभी नहीं दिखाएंगे। पुराने दिया पर जो मेन जो वो है उसका अट्रैक्शन वो तो दे दिया है,
वो अभी नहीं दिखाएंगे, वो तो बाद में भाई के स्टूडियो में दिखा जाएगा है ना। वो तो बाद में स्टूडियो में बाद में करेंगे रिवील। और शॉप अच्छी थी वैसे ना, ये शॉप यहाँ पे एलएलसी करके इतना प्लेस में बढ़िया सीन था वाला, अंदर काफी कुछ आइटम है लेने के लिए। कल के लिए बोल दू बहाना कहीं और जाना है, हो सकता है धूप बहुत आम तो कभी भी आ सकता है।